तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि जो राशन कार्ड को लेकर एक नया गाइडलाइन और जो रूल है वो जारी हो चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको अपना राशन कार्ड है वो उनको जमा करना होगा, ठीक है दोस्तों, या सरेंडर करना होगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी कि किन किन व्यक्तियों को अपना राशन कार्ड है वो जमा करना होगा और किन किन व्यक्तियों को अपना राशन कार्ड नहीं जमा करना होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे लोगों को जमा करना होगा जो सरकार के जो गाइडलाइन है उनके अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे सभी कार्डधारकों को यानी राशन कार्डधारकों को अपना राशन कार्ड है वो जमा करना होगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आता है तो आप या तो एक कॉपी पर नोट करते रहना या तो आप ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपके घर में एक एयर कंडीशनर है यानी एसी लगी हुई है तो आप एक राशन कार्ड के अपात्र माने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे में आपको अपना राशन कार्ड है वो सरेंडर करना होगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप दूसरा है हमारा चार पहिया वाहन। अगर आपके घर में कोई चार पहिया वाहन है, ट्रैक्टर या दोस्तों स्कॉर्पियो जो भी है, जो भी चार पहिए के अंतर्गत आते हैं, ऐसे कोई भी वाहन हो आपको घर में, तो आपको भी राशन कार्ड है वो सरेंडर करना होगा। और दोस्तों अगर तीसरा है दोस्तों सरकारी नौकरी, अगर दोस्तों आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है यानी सरकारी नौकरी है किसी भी व्यक्ति की, तो भी आपको अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। और दोस्तों चौथा है एक एकड़ से ज़मीन ज़्यादा है यानी आपको दोस्तों 25 बीघे से ज़मीन आपके हिस्से में पड़ती है, तो ऐसे में भी आप एक अपात्र ही माने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों पाँचवा है दोस्तों 100 वर्ग फुट से आपका प्लॉट ज़्यादा है और अगर आप उसमें मकान बना हुआ है आपका पक्का और आप उसमें कोई बिजनेस कर रहे हो तो भी आप अपात्र में घोषित कर दिए जाओगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सिक्स रूल्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जनरेटर, अगर आपके घर में भी एक जनरेटर है तो भी आप एक जो राशन कार्ड के अपात्र में घोषित कर दिए जाओगे। और दोस्तों सातवां है यानी आपके पास कोई शस्त्र का लाइसेंस है यानी शस्त्र यानी बंदूक जैसे जो शस्त्र होते हैं, अगर उसका भी आपके घर में कोई लाइसेंस है तो आपको जो आपका राशन कार्ड है वो आपको जमा करना होगा। और दोस्तों जिनके सालाना यानी आठवां हमारा जो रूल है, जिनकी सालाना कमाई यानी इनकम आपकी करीब 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, तब भी आपको अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। और दोस्तों ऐसे लोग जो आयकर धारा के अंतर्गत आते हैं यानी आप GST जमा करते हो फिर भी आपको अपना राशन कार्ड है वो सरेंडर करना होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि किन किन चीज़ों से आप अपात्र माने जाओगे और अपात्र घोषित कर दिए जाओगे। तो दोस्तों अगर आपके भी पास इन सारी चीज़ें हैं, ये सारी सुविधाएं हैं, तो आपको अपना राशन कार्ड है वो सरेंडर करना होगा। अगर दोस्तों आप अपने आप सरेंडर करते हैं तो आप पर कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर आप ऐसे में आप सभी के पात्र हैं, आपके घर में इन सभी में से एक भी चीज़ है और आप अपना राशन कार्ड आपने पास ही रखे हुए हैं, आपने सरेंडर नहीं किया हुआ है, तो आपको ऐसे में आपको बहुत ही भारी पड़ सकता है, आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है दोस्तों, आपको रुकवरी भी निकल सकती है आपकी। जब जितना भी आपने राशन लिया है दोस्तों, जैसे कि गेहूँ चावल चना और दोस्तों नमक और रिफाइंड वगैरह जो भी ली है, वो आपको जो एक प्रेजेंट में जितने भी जो रेट पर चल रहे हैं उसी के हिसाब से आपकी रिकवरी है वो निकाली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इससे अच्छा है दोस्तों अगर आप इन रूल्स के अंतर्गत आते हो तो आपको अपने आप अपनी तहसील मर जाकर, ठीक है दोस्तों, आपकी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी तहसील पड़ती हो उस तहसील मर जाकर अपना राशन कार्ड है वो आप वहाँ पर जाकर जो सरेंडर कर दें, तो आपकी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और आपका जो राशन है वो डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। तो जय हिंद दोस्तों।